तफक रात की दलदल में मत धकेलो मुझे, मुझे नजात का रास्ता पसंद करने दो। तफक रात की दलदल में मत धकेलो मुझे, मुझे नजात का रास्ता पसंद करने दो। कुचलने दो मुझे हर दर्द जान को एड़ी से, गमे जहान को मुट्ठी में बंद करने दो। कुचलने दो मुझे हर दर्द जान को एड़ी से, गमे जहान को मुट्ठी में बंद करने दो। तुम उसके बाद मेरे हाथ काट देना, मगर मुझे मसीहा की सूली बुलंद करने दो। तुम उसके बाद मेरे हाथ काट देना, मगर मुझे मसीहा की सूली बुलंद करने दो। उठे ना गर्दशे दौरा की टीस सीने में, उठे ना गर्दशे दौरा की टीस सीने में। न फिक्रे जात ना फिक्रे मुआश कुछ भी ना हो, उठे ना गर्दशे दौरा की टीस सीने में। न फिक्रे जात ना फिक्रे मुआश कुछ भी ना हो, न दर्दे दुनिया हो दिल में न आंख में आंसू। रहे ना जुस्तजू कुछ भी तलाश कुछ भी ना हो, न दर्दे दुनिया हो दिल में न आंख में आंसू। रहे ना जुस्तजू कुछ भी तलाश कुछ भी ना हो, फकत मसीहा की सूली नजर में हो तारिक। फिर उसके बाद निगाहों में काश कुछ भी ना हो, फकत मसीहा की सूली नजर में हो तारिक। फिर उसके बाद निगाहों में काश कुछ भी ना हो। जहां से रास्तबाज की नजात का रास्ता निकलता है, वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है। जहां से खुदावंद यीशु मसीह के होंठों से बनी आदम की नजात का ऐलान हुआ, वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है। जहां से बनी आदम की नजात की पगडंडी शुरू होती है, वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है। जहां से बनी आदम की नजात का चश्मा फूटता है, वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है। जहां से बनी आदम की नजात का दरिया निकलता है, वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है। जहां से बनी आदम की नजात की इब्तदा होती है, वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है। चुनाचे रास्तबाज और पाक बाज लोग खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की तरफ बगौर देखते रहते हैं। जहां पर से उनकी नजात का ऐलान हुआ था, इससे कबल हम देख चुके हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा ताला का बेटा बतौर बर्राए कुर्बानी सलीब पर लटका हुआ है। सारा जिस्म मुबारक कोड़ों की मार से छलनी है, हाथ पांव कीलों से छेदे गए हैं, और उसकी सलीब का नजारा करने वाले सारे रोमी हकूमत के नुमाइंदे
पगान और यहूदी मजहब के तर्जमान सब के सब उसकी मुखालफत में आवाजें कस रहे हैं, सब के सब उसकी मुखालफत में फबतियां कस रहे हैं, और आपकी जुबान अकदस से मुआफी का कलमा निकला और आपने बा आवाज़ बुलंद अपने बाप से मुखातब होकर फरमाया, ए बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और हमने अर्ज़ किया, ना सिर्फ आपको ज़ोदो कोब करने वालों के गुनाहों की मुआफ़ी का आपने ऐलान किया, ना सिर्फ आपको मसलूब करने वालों के गुनाहों की मुआफ़ी का आपने ऐलान किया, बल्कि समेत उन तमाम वक्ती मुखालफीन और दुश्मनान के आपने आदम से लेकर दुनिया के आखिरी इंसान तक के गुनाहों की मुआफ़ी के हसूल का चारा किया, ऐलान किया और बाप से शिफायत की, और यूं सलीब पर लटके हुए मसीहा की जुबान अकदस से निकलने वाला वो पहला कलमा बनी आदम के हक में मुआफ़ी का कलमा कहलाया, क्योंकि जब तक वो बनी आदम को उनके गुनाहों की मुआफ़ी इस कायनात के खालिक मालिक राज़िक और हाकम के हजूर से लेकर ना देता, उनके लिए नजात पाने के इमकानात रोशन कैसे होते। क्योंकि जब तक वो कदूसो बरहक बनी आदम की बदकारियों को, हराम कारियों को, जना कारियों को, बद किरदारियों को, रिया कारियों को, फरेब कारियों को, चोरियों चकारियों को, मकारियों अयारियों को, बुत परस्तियों को, ताएश परस्तियों को, शहवत परस्तियों को, खुद परस्तियों को, जर परस्तियों को, दुनिया परस्तियों को, जन परस्तियों को, कब्र परस्तियों को, तोहम परस्तियों को, चालबाजियों को, जुएबाजियों को, मुकदमेबाजियों को, ड्रामेबाजियों को, धोखेबाजियों को, कत्लो गारत को, खून रेजियों को, लड़ाई झगड़ों को, अलगरज उस बिगड़ी हुई फितरत जबिलत खसलत और तबीयत के मातहत होने वाले तमाम गनोने गटिया गैर मयारी गंदे गलीज और मकरू अफालो आमाल को और किरदारो गुफ्तार को मुआफ ना फरमा दे, बनी आदम की नजात का दरवाजा कैसे खुले और बनी आदम खुदा के फिरदौस में दोबारा दाखिल होने के हकदार कैसे करार दिए जाए। चुनाचे खुदावंद यसु मसीह ने सबसे पहले ये कहकर के ए बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, बनी आदम के लिए उनके गुनाहों और खताओं की मुआफ़ी के हसूल को उनके लिए मुमकिन बनाया, और फिर दूसरी बार सलीब पर अपने मुकद्दस होंठों को जुम्बश दी और अपनी जुबान अकदस से बनी आदम की नजात का ऐलान किया। अब नजात है क्या? नजात कादरे मुतलक के फिरदौस में दाखले का नाम है। बाइबल मुकद्दस गवाह है कि जब आदम और हव्वा ने हुक्म अदूली और नाफरमानी का यानी गुनाह का मुजाहरा किया तो उनकी पाकीज़ा फितरत, उनकी पाकीज़ा जबिल्लत, उनकी पाकीज़ा खसलत और उनकी पाकीज़ा तबीयत में बिगाड़ और इंतशार आ गया और उनकी फितरत जबिल्लत
जिल्लत खसलत और तबीयत गुनाह आलूदा हो गई। चुनाचे वो कादरे मुतलक के फिरदौस में उसकी मौजूदगी में उसकी कुर्बत में उसकी नज़दीकी में उसकी हजूरी में उसकी संगत में उसकी सोहबत में रहने के लायक ना रहे। चुनाचे उनको देश निकाला मिल गया। अब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में इसलिए तशरीफ लाए कि अपने खून के साथ उनके गुनाहों की मुआफ़ी का चारा करें और उनको फिर से नजात का लिबास पहनाकर आसमानी बाप के पाकीज़ा फिरदौस में दाखिल करने का बेड़ा उठाएं। चुनाचे आसमान के आसमान पर बसने वाले उस कद्दूसो बरहक और बुजुर्गो बरतर ने खुदावंद यीशु मसीह के ज़मीन पर तशरीफ लाने से पहले अपने एक मुकद्दस नबी की मारफत फरमाया था, ऐ बिनते सय्यून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। ज़करिया नबी का पाकीज़ा और मुकद्दस सहीफा उसका नवा बाब और उसकी नवी आयते मुकद्दसा सफा नंबर 887 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। बाद अज़ां जब खुदावंद यीशु मसीह के ज़मीन पर तशरीफ़ लाने के मौसम आए और आपकी वालदा को आसमान पर से नजात दहिंदा को जस्मानी तौर पर पैदाइश देने की खुशखबरी और नवीद सुनाई गई, तो आप जिस मर्द के साथ मनसूब थी उस मर्द को आपके पाकीज़ा किरदार पर शक गुजरा। चुनाचे उसने आपको यानी मुकद्दसा मरियम को चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने हाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। मत्ती रसूल की मारफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का पहला बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 5 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। ऐ बिनते सय्यून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है, और नजात लेकर आने वाले बादशाह को गुज़श्ता संडे हमने यरूशलेम शहर में दाखिल होते हुए देखा था, जब ही तो हमने अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर आने वाले नजात दहिंदा को वेलकम कहा, इस्तकबाल दिया, ताकि हम उसके हाथ में नजात की सौगात को हासिल करने के लायक बन जाए, क्योंकि नबी ने कहा था नजात उसके हाथ में है। और फिर फरिश्ता ने कहा, जनाबे यूसुफ से मुखातिब होकर वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, यानी उन बनी आदम को जो उसके नाम पर ईमान लाएंगे,
खुदाए कद्दूस बरहक और बुजुर्गो बरतर के फिरदौस में दाखिल होने का हक अता फरमाएगा। आप मुकद्दसा मरियम के बतन के वसीले से जमीन पर तशरीफ लाए, सिने बलोगत को पहुंचे, अपने आसमानी बाप के प्रोग्राम और इंतजाम के मुताबिक, अपने आसमानी बाप के मनसूबे और एहतमाम के मुताबिक शहर शहर जाने लगे, गांव गांव जाने लगे, करिया करिया जाने लगे, महल्ले महल्ले जाने लगे और गली गली जाने लगे और कहने लगे, मैं नजात देने आया हूँ, मैं छुटकारा देने आया हूँ, मैं रिहाई देने आया हूँ, मैं आज़ादी देने आया हूँ, मैं खलासी देने आया हूँ, मैं मखलसी देने आया हूँ, मैं मुक्ति देने आया हूँ, यानी मैं सालवेशन देने आया हूँ। यहूदी बड़े हैरानों शिशदर हुए, उन्होंने उसे जवाब दिया कि हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की मुकद्दस और जिंदगी बख्श अंजील का 8वां बाब और उसकी 33वीं ता 36वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 91 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। मैं नजात देने आया हूँ, मैं मखलसी देने आया हूँ, मैं खलासी देने आया हूँ, मेरे हाई देने आया हूँ, मैं आजादी देने आया हूँ, मैं छुटकारा देने आया हूँ, मैं मुक्ति देने आया हूँ, यानी मैं सालवेशन देने आया हूँ। एक दौलतमंद ने जिसका कद छोटा था नजात देने का ऐलान करने वाले को देखने का शौक किया और आप उसके साथ उसके घर में चले गए। चुनाचे जब वो आपके आमने सामने बैठ और उसने अपने अंदर से गुनाह की जंजीरों को टूटते, गुनाह के बंधनों को टूटते, गुनाह के जुओं को उतरते हुए देखा तो कहा, स्वामी जी मैं अपना अमवालो असबाब बांटने जा रहा हूँ गरीबों में, जिससे मैंने एक लिया 4 रुपए देकर आऊंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदामंद की जिंदगी बख्श और पाकीजा अंजील का 19वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 73 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है, क्योंकि इब्ने आदम मशरकियों को नजात देने आया है, क्योंकि इब्ने आदम मगरबियों को नजात देने आया है, क्योंकि इब्ने आदम शमालियों को नजात देने आया है, क्योंकि इब्ने आदम जनूबियों को नजात देने आया है, क्योंकि इब्ने आदम गोरों को नजात देने आया है, क्योंकि इब्ने आदम कालों को नजात देने आया है, क्योंकि इब्ने आदम गरीबों को नजात देने आया है, क्योंकि इब्ने आदम अमीरों को नजात देने आया है, क्योंकि इब्ने आदम सब बनी आदम को नजात देने आया है। स्वामी आप बनी आदम की नजात की दस्तावेज पर दस्तखत कहां पर करेंगे? कहां पर से आप इस बात का ऐलान फरमाएंगे कि बनी आदम जो खुदा के फिरदौस में दाखिल होने के हकदार नहीं है, दाखिल होने का हक पाए? ये कारनामा कहां पर सर अंजाम दिया जाएगा? हम सब की नजात का सर्टिफिकेट
गेट किस रोज जारी होने वाला है, आप किस मुकाम पर हमें कादरे मुतलक के फिरदौस में दाखिल होने की सनद जारी करेंगे ताकि हमारी नजात को अमली शक्ल मिल सके। चनाचे वो दिन आ गया, स्वामी ने सलीब उठाई और कलवरी की राह ली और यहूदियों के हाथों और रोमी हुक्मरानों के हाथों मसलूब होने को आमादा और तैयार हो गया, क्योंकि उसके आसमानी बाप का यही प्रोग्राम था, यही इंतज़ाम था और यही एहतमाम था, यही मनसूबा था और यही इरादा था कि वो अपनी जान का नजराना पेश करके उसको दूसो बर हक और बुजुर्गों बर के हजूर से बनी आदम को उनकी खताओं, उनके गुनाहों, उनकी बदियों और उनकी तकसीरों की माफी लेकर देगा ताकि उनके लिए फिरदौस के दरवाजे खुल जाएं। जब आपने सलीब पर पहली बार अपने मुकद्दस होंठ खोले, तमाम जमानों के इंसानों की माफी की दरख्वास्त अपने बाप के हजूर में रखी जो कि मंजूर हुई, फिर जब आपने दूसरी बार अपनी जुबान अकदस खोली और अपने पाकीजा होंठों को जुम्बश दी, तो वाकया यूं हुआ कि जो बदकार आपके दाएं और बाएं सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक ने खुद गर्जी का मुजाहरा करते हुए आप पर ताना कसा, आप पर फबती कसी और आप पर आवाज़ा कसा और कहा, अगर तू वाकई खुदा का बेटा है तो क्यों कर सलीब पर से उतर नहीं आता, आपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। दूसरे ने उसको डांटते हुए कहा, तू खुदा से डरता नहीं है, हम तो अपनी वाजबी सजा पा रहे हैं और तू नहीं जानता यीशु मसीह किसी गुनाह का मुर्तकब नहीं हुआ, इसकी पाकीजा जात में तो बाल बराबर गुनाह न था, ये तो दूसरों की खातिर सलीब पर लटक का हुआ है। और फिर उस डाकू ने आपके बादशाह होने का एतराफ और इकरार किया, फिर उसने कहा, ए यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीजा अंजील का 23वां बाब और उसकी 42वीं और 43वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 79 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। जान कनी का आलम है, हाथों और पांव से कील आर पार है, सारा बदन मुबारक कोड़ों की मार से छलनी हो चुका है, यहूदियों और रोमियों की फबतियों और आवाजों ने आपको दिल बर्दाश्ता करने में कोई कसर उठा नहीं रखी, तो भी आप अपने आने के बड़े मकसद से बेखबर नहीं हुए। आपको खबर है, आपको याद है, बल्कि आपके सामने आपकी आमद का मकसद बिल्कुल नुमाया साफ और शफाफ है कि आप बनी आदम को नजात देने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। आपको याद है कि आपके आसमानी बाप ने आपको जमीन पर बनी आदम की नजात के काम को मुकम्मल करने के लिए भेजा, नबियों की जुबानी कहा, फरिश्तों की जुबानी कहा, मुकद्दसों की जुबानी कहा, रास्तबाजों की जुबानी कहा और फिर आपने अपनी जुबान से भी इकरार किया, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। वो वक्त कब आएगा कि आप फिरदौस से निकले हुए बनी आदम को फिर से फिरदौस में दाखिल होने का मुजदा सुनाएंगे, नवीद सुनाएंगे और खुशखबरी सुनाएंगे। आखिर सलीब का दिन आ गया और आपने सलीब पर से ऐलान किया।
जब उस डाकू ने अपने गुनहगार होने का एतराफ किया, आपके बेगुनाह होने का इकरार किया और आपको बादशाह कबूल करते हुए दरख्वास्त की कि मुझे अपनी बादशाही में दाखिल होने का एजाज और इस्तेहकाक बख्शिएगा, फिर उसने कहा, ए यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीजा अंजील का 23वां बाब और उसकी 42वीं और 43वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 79 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इस कलमाए मुकद्दस के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह ने बनी आदम की नजात का दरवाजा खोल दिया, यानी खुदा के फिरदौस का दरवाजा खोल दिया, यानी खुदा की बहिश्त का दरवाजा खोल दिया, यानी खुदा की स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया, यानी खुदा के अबदी निजाम कायनात का दरवाजा खोल दिया, यानी आसमानी शहर नए यरूशलेम का दरवाजा खोल दिया, उन सब के लिए जो कमाल रजामंदी के साथ सलीब पर मरने वाले यसु पर ईमान लाएं और उसको अपना नजात दहिंदा मानकर उसकी पैरवी में चल दें और उसके अहकामों कवानीन की लाज रखें, उसके फरमुदात और इर्शादात की लाज रखें और उसकी सलीब के नीचे आकर अपने गुनाहों की मुआफ़ी के और फिर नजात के सर्टिफिकेट के तालब हों। ये कलमा नजात उनके लिए नहायत मवसर है। जब ही तो रसूल ने बा आवाज़ बुलंद कहा, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यसु गुनहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तमोतियस के नाम लिखे हुए पालूस रसूल के पाकीज़ा खतूत में से पहला ख़त और उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयतें मुकद्दसा सफा नंबर 202 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। आज उसने सलीब पर से ऐलान कर दिया है, मैं और आप खुदा के फिरदौस में दाखिल होने के लायक बन सकते हैं और इसको नजात की अमली शक्ल कहा जाता है। चुनाचे मसीह खुदावंद के पाकीज़ा होंठों से सरे सलीब निकलने वाला ये दूसरा कलमा कलमा नजात हुआ और जितनों ने उसकी सलीब पर से टपकने वाले पाकीज़ा खून के कतरात में नहाकर रास्तबाजी और पाकबाजी की राह पर दौड़ना पसंद किया और कामलियत की मंजिलों को सर करने का एजाज और इस्तेहकाक पाया, वो उस कदूसो बर हक और बुजुर्गो बरतर के अजीमो शान तख्त के रूबरू और फिर बर्राए खुदा के रूबरू इस बात का इतराफ करेंगे कि सलीब का मनसूबा खुदा ने तैयार किया और उसको अमली शक्ल बर्रा ने दी, जिसके बायस हम नजात के तोहफे और सौगात से बहरावर हुए, हम किनार हुए और नवाजे गए। चुनाचे हम खुदा के फिरदौस में मौजूद हैं। जनाब यूहन्ना रसूल पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ यसु मसीह के वसीले से मिलने वाली नजात को हासिल करने वालों की जमायत को देखते हैं और यूं रकम तराज होते हैं। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए
तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। मुकाशफा की किताब के सातवें बाब की नौवीं और दसवीं आयाते मुकद्दसा सफा नंबर 247 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मसीह में मेरी प्यारी बहनों, मसीह खुदावंद की सलीब की तरफ भागे हुए जाओ, वहां से नजात के सर्टिफिकेट मिलते हैं। और हाँ, रास्ता ना भूल जाना बल्कि याद रखना, भला क्या, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। आमाल की किताब के चौथे बाब की 12वीं आयते मुकद्दसा सफा नंबर 111 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। किसी दूसरे के वसीला से नजात मिल कैसे सकती है? कौन बनी आदम के लिए अपने हाथों और पांव में कील लगवाएगा? कौन बनी आदम के लिए अपने सर पर कांटों का ताज रखेगा? कौन बनी आदम के लिए अपने आप को छलनी होने के लिए पेश कर देगा? कौन अपने आप को बखुशी मौत के हवाला कर देगा बावजूद इसके कि उसकी जात में बाल बराबर खोट ना हो, बाल बराबर दाग ना हो, बाल बराबर ऐब ना हो, बाल बराबर धब्बा ना हो, बाल बराबर झुरी ना हो, बाल बराबर नक्स ना हो, बाल बराबर खामी ना हो, बाल बराबर कमी ना हो, बाल बराबर कमजोरी ना हो और बाल बराबर छल ना हो, वो सिवाय यीशु के दूसरा नहीं हो सकता। चुनाचे जब डाकू ने अपने गुनाहों का इतराफ और इकरार किया तो आपने बा आवाज़ बुलंद ना सिर्फ उस शख्स के लिए, ना सिर्फ उस डाकू के लिए और ना सिर्फ उस बदकार के लिए, बल्कि दुनिया के एक एक बदकार के लिए, दुनिया के एक एक डाकू के लिए, दुनिया के एक एक फरेबकार के लिए, दुनिया के एक एक जनाकार के लिए, दुनिया के एक एक रियाकार के लिए, दुनिया के एक एक चोर चकार के लिए और दुनिया के एक एक मक्कार और अय्यार के लिए जो उसके सामने अपने गुनाहों का इकरार करने को आमादा और तैयार हो जाए, नजात का ऐलान किया, फिरदौस का दरवाजा खोलने का वादा किया। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद यीशु मसीह की जुबान अकदस से और पकीजा होंठों से निकले हुए नजात के इस कलमे से भरपूर फायदा उठाइए और सलीब वाले यीशु मसीह के साथ वाबस्ता हो जाइए, जुड़ जाइए, मुनसलिक हो जाइए और पविस्त हो जाइए, ताकि आप खुदा के फिरदौस में नजात याफ्ता होने की हैसियत से दाखिल होने के लायक बन जाए। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।